हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीई ऑनलाइन क्लास क्लास सेवन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड। हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। सेली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन ए रो इन हर गार्डन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग्स। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स, सपोज 4 सैपलिंग्स आर पी क्यू आर एंड एस। हम अज्यूम कर लेते हैं 4 सैपलिंग्स पी क्यू आर एस इन ए रो, एक सिंगल रो में। इन हर गार्डन, गार्डन के अंदर। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग्स, एडजेसेंट का मीन्स क्या होता है, कंटिन्यू आने वाले, इट मीन्स पी क्यू क्यू आर आर एस, ये क्या है, एडजेसेंट है। तो दो सैपलिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 3/4 मीटर। इट मीन्स पी एंड क्यू की जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कितनी होगी, 3/4 मीटर। ऐसे क्यू एंड आर की भी 3/4 मीटर, ऐसे ही आर एंड एस की भी कितनी है, 3/4 मीटर। तो ये 4 सैपलिंग्स हमारे पास पी क्यू आर एंड एस, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास गिवन है 3/4 मीटर, 3/4 मीटर एंड 3/4 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। इट मीन्स हमें ये पी एंड क्यू, ये हमें तो सॉरी पी एंड एस डिस्टेंस हमें फाइंड करनी। इट मीन्स तो पी एंड एस डिस्टेंस फाइंड करने का मेथड आपके पास टू टाइप्स है, या तो आप 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 कर लें, या फिर 3/4 को 1, 2, 3 से मल्टीप्लाई कर लें। तो दोनों मेथड देखें, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग्स, इट मीन्स पी एस। तो डिस्टेंस क्या होगी, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस। वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ पी क्यू 3/4 प्लस वैल्यू ऑफ क्यू आर 3/4 प्लस वैल्यू ऑफ आर एस 3/4। ओके, तो हमने इनको प्लस कर दी क्योंकि हमें टोटल पी एस फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखिए ये फ्रैक्शन में हमारे पास, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेकर। डिनोमिनेटर में 4, 4, 4, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 4 एलसीएम। अब एलसीएम को सिंप्लीफाई करना आपको आता ही है, 4 में 4 का डिवाइड करेंगे 1, इट मीन्स 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, अगेन 3 मल्टीप्लाई 1, अगेन 3 मल्टीप्लाई 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 बन जा 3 प्लस 3 बन जा 3 प्लस 3 बन जा 3 अपॉन में 4, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, इट मीन्स 9 अपॉन 4, और जो यूनिट है हमारे पास वो मीटर है, 9 अपॉन 4 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, इट मीन्स पी एस, वो कितनी आई हमारे पास, 9/4 मीटर। दैट इज आंसर।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1/3/4 hours एवरी डे, शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days, हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। देखिए क्वेश्चन को समझिए, लिपिका जो बुक है वो रीड करती है 1/3/4 hours एवरी डे, डेली कितना रीड करती है 1/3/4 hours, तो हमें 6 days का फाइंड करना है। तो इट मीन जो ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और 6 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो टोटल 6 days के आवर्स फाइंड हो गए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, लिपिका रीड्स ए बुक एवरी डे, डेली कितने आवर्स रीड करती है 1/3/4 hours, ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बन जा 4 + 3 = 7, तो देखो मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये तो मल्टीप्लाई होता है और जो न्यूमरेटर है वो प्लस होता है ऑलवेज, 4 × 4 = 7/4 hours। अब हमें 6 days का फाइंड करना है, देन सी रीड्स द एंटायर बुक, एंटायर बुक इन 6 days, तो हम 3/4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 7/4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 7/4 × 6, तो ये टोटल आवर्स आ जाएंगे हमारे पास। तो इसको देखिए ये कैंसिल आउट हो सकता है, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, अब 7 × 3 = 21/2 hours। अब आप चाहो तो 21 में 2 का डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन या डेसिमल किसी भी एक में आंसर आप दे सकते हो, तो 21 में 2 का डिवाइड करते हैं, देखिए रफ में 21 / 2, 2 × 2 = 2, 0 बचा हमारे पास ये 1। अब देखिए जो नेक्स्ट डिजिट है वो 2 से स्मॉल है, तो इसमें 0 लगाएंगे तो आंसर में भी क्या होगा 0। अब जो हमारे पास है 2 × 20, अब डेसिमल में आपको आंसर देना है तो यहाँ पर पॉइंट भी लगेगा, 2 × 5 = 10, तो यह आ जाएगा हमारे पास 10.5 hours। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है तो 21 में 2 का डिवाइड करेंगे, ये 10 times जाएगा 20, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो रिमाइंडर को हम यह नोट करते हैं, तो डिवाइड किससे कर रहे हैं 2 से, तो और करके आप मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हो 10 × 1/2 hours, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है और ये भी करेक्ट है। डेसिमल में चाहो तो आप डेसिमल में दे सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में चाहो तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हो, तो किसी भी एक फॉर्म में आंसर दे सकते हो। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8, ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ए का जो फर्स्ट पार्ट है वो है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 × box = 10/30, इट मीन्स आपको बॉक्स के अंदर नंबर फाइंड करना है कि कौन सा नंबर आएगा। सेकेंड, इसी के सेकेंड पार्ट, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑफ 10 इन, जो आपके पास नंबर ऑफ 10 होगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमें फाइंड करना है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, अब देखिए इस फॉर्म में राइट है नंबर लिखा हुआ है box = 10/30, हम क्या करेंगे बॉक्स के अंदर नंबर अज्यूम कर लेंगे x, लेट बॉक्स के अंदर कौन सा नंबर है x, या फिर आप अज्यूम भी नहीं करोगे तो बॉक्स को बॉक्स ही रहने दें तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जैसे बॉक्स हमें फाइंड करना है, तो देखिए अब
अब जो इसके मल्टीप्लाई में, देखिए टू मल्टीप्लाई में तो किस में पहुंच जाएगा राइट हैंड साइड में, डिवाइड में, और थ्री डिवाइड में तो किस में पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में। तो बॉक्स की जो वैल्यू फाइंड करनी है, अगर आप अज्यूम भी नहीं करोगे, बॉक्स को बॉक्स ही राइट कर दें, टेन अपॉन थर्टी। आपको पता है जो डिजिट है वो इंटरचेंज करने पर लेफ्ट लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो टू मल्टीप्लाई में तो ये अपॉन में आ जाएगा टू, और थ्री डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, राइट, इंटरचेंज हो जाते हैं साइन। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, टू वन जा टू और टू फाइव जा टेन, टू और टेन कैंसिल हो रहे हैं, टू फाइव जा टेन, थ्री और टेन भी कैंसिल हो रहा, थ्री और थर्टी भी कैंसिल हो रहा है, थ्री वन जा थ्री और थ्री टेन जा थर्टी। तो जो बॉक्स के अंदर हमारे पास जो डिजिट आएगी, जो नंबर आएगा, फाइव अपॉन टेन, इट मीन्स जो इसका आंसर है टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बॉक्स के जो अंदर आ गया हमारे पास फाइव अपॉन टेन इक्वल टू टेन अपॉन थर्टी। आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो, बिकॉज एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होता है, फाइव टू जै टेन देखिए टेन, एंड टेन थ्री जै थर्टी, इट मीन्स आवर आंसर इज राइट। अब इसी का ही हमें सिंपलेस्ट फॉर्म सेकेंड का सेकेंड पार्ट इसको सॉल्व करना है। जो बॉक्स के अंदर जो हमारे पास डिजिट आई है फाइव अपॉन टेन, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन बॉक्स, बॉक्स के अंदर फाइव अपॉन टेन आए तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फाइव अपॉन टेन, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स क्या होता है, कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल करके आप आंसर राइट कर सकते हो। देखिए फाइव और टेन कैंसिल हो रहा है, फाइव वन जा फाइव एंड फाइव टू जा टेन, इट मीन्स वन अपॉन, तो सेकेंड का आंसर क्या होगा, वन अपॉन टू आंसर। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आप यहाँ क्या फिल करोगे, वन अपॉन, और इस बॉक्स के अंदर हमारा आंसर क्या है, फाइव अपॉन टेन, दैट इज आंसर।